रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वही तपस्वी तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है सो so, मैं हिमांशु शर्मा सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों जो शिक्षा में बदलाव नहीं क्रांति लेकर आ गया दोस्तों क्रांति तो हम भी लेकर आ गए रीजनिंग का एक एक टॉपिक एक एक टाइप एक एक क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों तो किस बात की है? देरी बच चुके हैं साढ़े दस और साढ़े दस मतलब हो चुका है रिजनी का समय जल्दी से लाइव आ जाइए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों और आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया तो दोस्तों जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले तो दोस्त क्या कह रहे हैं साधु और साधवी एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए क्या कह रहे हैं मेरे साधु और साधवी और दोस्तों हम आपको एक चीज और बता दें कि कल कल 12 बजे कल 12 बजे यानी कल संडे को 12 बजे हमने एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया था जिसके अंदर हमने नॉन टेक सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से अच्छे मार्क्स लाए जाएं इसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस हमने पूरा किया था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्त क्लास खत्म होने के बाद में वो वीडियो जरूर देखें कि किस प्रकार एस एस जेई के अंदर हम नॉन टेक के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं रीजनिंग हो या जीके हो जीके के लिए दीपक जासर भी मेरे साथ में थे तो दोनों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया गुरु मंत्र जो है आपको देकर गए हैं रॉय गुंजा जी प्रवीण जी दीपक जी दीपक साहू जी कलप्रीत जी बिल्कुल यू एंड माई फिटनेस जी जनातुल जी रॉय गुंजा जी सभी को गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु बाबा जब करें और रीजनिंग का दंगल लड़े बिल्कुल बिल्कुल दोस्त लास्ट वेंचर जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अच्छा वर्ल्ड का आज मेंटल हेल्थ डे है और हम आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए ही रीजनिंग की क्लास लगातार लेते जा रहे हैं दोस्त तो इससे क्या सुंदर समागम हो सकता है लास्ट वेंचर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सूचना से आपने हमें अवगत कराया बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद बिल्कुल वर्षा जी गुड मॉर्निंग कुणाल जी कह रहे हैं नमन स्वीकारे गुरुदेव एच का एग्जाम है चार नवंबर को जिसमें रीजनिंग चौतीस मार्क्स का आता है उसके पहले रीजनिंग कंप्लीट करा दीजिएगा मेरे दोस्त ये मान के चलो कि आप

प्रिया जी डिंकी जी अश्विनी जी पहले तो एक बार बताएं कि कल का वीडियो कितने लोगों ने कितने साधु और साधुओं ने फोट डाला है बारह बजे वाला जो वीडियो कल हमने लिया था दीपक झा सर के साथ में कितने साधु साधवी ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो को पूरा पूरा फोट डाला है सर ये चैप्टर डीआरडीओ में भी आएगा ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है मेरे दोस्त इसका क्वेश्चन तो हर जगह एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है हर जगह इसके एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के जंगल में दंगल स्टार्ट हो गया है बिल्कुल जंगल में मंगल अरे <laughs> सुनील साधु बस बस अरे बस मेरे साधु टीना साधवी जी भी आ गई हैं जयसवाल जी आ गए हैं यशवंत जी आरू जी रंजन जी अश्विनी जी अंसारी जी आ गए हैं यू एंड माई फिटनेस बिल्कुल 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 तो चलिए शुरू किया जाए उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि कल वाले वीडियो में आपको जो भी समझ में आया काम की बातें बहुत सारी काम की बातें हैं उसके अंदर दोस्त और सारा निचोड़ भी मैंने आपको उसके अंदर बता के पूरा बताया निचोड़ क्या था कल के वीडियो का तो दोस्त वो पूरा वीडियो आप जरूर देखें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है वो वीडियो ठीक है अभिजीत जी, जी ट्रेनर टीना जी लास्ट वेंचर जी चलिए शुरू करा जाए लालू जी आ गए हैं लालू जी ने गुड मॉर्निंग कह दिया दैट मींस सभी जानते हैं कि लालू जी का आना मतलब क्लास का शुरू हो जाना तो लालू जी शुरू करते हैं क्लास ऋतिका जी रामेश्वर जी सुनील जी मैथमेटिकल ऑपरेशन डालिया रजिस्टर में हेडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरे दोस्त मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है गणितीय संक्रिया गणितीय संक्रिया और जैसा कि प्रभु मेरे आप देख सकते हैं कि यह बच्चा जो है ये बच्चा कंफ्यूज दिख रहा है ये कंफ्यूज दिख रहा है यार इक्वल टू का साइन प्लस का साइन माइनस का साइन गुणा का साइन इनसे कैसे डील किया जाए इसी बच्चे के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये लेक्चर लेकर आए हैं यानी कि गणित संक्रिया बेसिकली आपका किन किन चीजों के ऊपर बात करता है आपके प्लस माइनस गुणा और भाग ये आप क्या कहलाते हैं गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हैं यही कहलाते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है जी क्लियर है अच्छा कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो, क्योंकि अभी हम डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं अरे मेरे दोस्त आप डीआरडीओ की कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो नॉन टेक तो आएगा ना तो नॉन टेक में कैसे अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं वो वीडियो पूरा उसी को समर्पित है ऐसा नहीं कि केवल एस एस जेई को ध्यान में रखकर ही वो वीडियो हमने बनाया था ठीक है जी इसी बीच में रंजन जी कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी रेप नमन नमन स्वीकार है मेरा अगर ये न्यूज आ, मुझे अभी से अवगत नहीं था अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी क्षति है सभी के लिए एक जो है राजनीति का एक दौर जो है खत्म हो गया अगर ऐसा है तो ठीक है चलिए दिवेश जी प्रिया जी चलिए सुनिएगा अब बात करते हैं दोस्त कि यह है आपकी गणितीय संक्रिया दूसरी बात इसके अंदर उठती है कि सर इनमें इन, इन संक्रियाओं में किसको किस प्रकार से प्रायोरिटी देनी है कौन सा ऑपरेशन पहले करना है कौन सा ऑपरेशन बाद में करना है यह ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है तो दोस्त इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है यहां पर एक रूल आता है बोर्ड मास का रूल किसका रूल आता है मेरे दोस्त बोर्ड मास का रूल बोर्ड मास का रूल यह कहता है कि सबसे पहले आपके क्या सॉल्व होते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त आपके ब्रैकेट सॉल्व होते हैं सबसे पहले आपके क्या सॉल्व होते हैं ब्रैकेट सॉल्व होते हैं उसके बाद में मेरे दोस्त ओ का मतलब होता है ऑफ या ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर ऑफ ऑर्डर या यानी का या घातांक फिर घातांक सॉल्व होते हैं फिर मेरे दोस्त डी का मतलब है डिवाइड यानी कि भाग सोल्व होता है उसके बाद में क्या सोल्व होता है मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है उसके बाद में एडिशन होता है और सबसे बाद में क्या चीज की जाती है की जाती है सब आपका ऑर्डर रहता है चीजों को करने का सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद घातांक घातांक के बाद में मेरे दोस्त फिर होता है भाग भाग के बाद गुणा गुणा के बाद में जोड़ और जोड़ के बाद में बाकी ठीक है दोस्त तो इस ऑर्डर में यह चीजें क्या की जाती है सोल्व की जाती है अभी दोस्त इसका आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको यहां पर दिखाते हैं इस एग्जाम्पल को दिखाने से पहले मेरे दोस्त आप मुझे बताइएगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा भी आपके गणित में कुछ ऑपरेशंस होते हैं कुछ साइंस होते हैं जैसे कि ये वाले साइंस ये वाले साइन इस वाले साइन को बोलते हैं हम जैसे कि ये हो गया आपका ग्रेटर देन ग्रेटर देन वाला साइन ये वाला साइन हो गया लेस देन ये हो गया मेरे दोस्त ग्रेटर देन और इक्वस टू ग्रेटर देन और इक्व टू और इक्वल टू इन और ये है आपका लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू और ये वाला साइन है इक्वल टू कोई मुझे बताएगा इन साइन को क्या नाम दिया जाता है इन साइन को कंबाइंड क्या नाम दिया जाता है इन साइन के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है इन साइन के ग्रुप्स को क्या नाम दिया जाता है कोई बताएगा इन साइंस को क्या नाम दिया जाता है ये जो सारे साइन मैंने पांच साइन लिखे हैं ग्रेटर देन लेस देन और ये वाले जो साइंस हैं इनको क्या नाम दिया जाता है ठीक है एस एस सी में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे मनोज जी इस इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है आएगा ही आएगा एक तो आएगा ही आएगा एक तो मान के चलो आएगा ही आएगा और दो भी आ जाते हैं मतलब एक से लेकर दो क्वेश्चन आपके फिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे गणितीय संक्रियाओं पर बेस्ड ठीक है मनोज जी ओम प्रकाश बाबा जी आ गए हैं दीपांशु जी गुड मॉर्निंग पिंटू जी शुभ शर्मा जी इनको बोला जाता है मेरे दोस्त लॉजिकल साइंस क्या बोला जाता है लॉजिकल साइंस इनको बोला जाता है लॉजिकल साइंस और मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल साइंस के ऊपर लॉजिकल साइंस के ऊपर भी आपके कई बार सरप्राइज देने के लिए क्वेश्चन मिल जाता है तो इसके लिए हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे दैट इज योर इन इक्वैलिटी इन असमानता समानता असमानता इक्वलिटी और इन इस चैप्टर का नाम होगा इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी समानता व असमानता समानता व असमानता इस चैप्टर के बारे में भी हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं लॉजिकल साइंस इसको बोलते हैं लॉजिकल साइंस ठीक है जी इसको बोला जाता है लॉजिकल साइंस और इनको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके गणितीय संक्रिया ठीक है मैथमेटिकल साइंस यहां तक की बात क्लियर है अर्थमेटिक साइंस इसको बोला जाता है अर्थमेटिक साइंस अर्थमैटिक साइंस अर्थमेटिक साइंस और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि आपके कंप्यूटर में एक यूनिट होती है ए एल यू कंप्यूटर में एक यूनिट होती है ए एल यू जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है अर्थमेटिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ए एल यू तो अर्थमेटिक यूनिट इसलिए होती है ताकि आपका कंप्यूटर जोड़ गुणा भाग कर पाए और साथ साथ में ये ब्रैकेट और इनको भी यूज कर पाए और लॉजिकल यूनिट ये होती है ताकि वो इन साइंस का भी क्या कर सके समझ सके इन साइंस को भी समझ सके इसलिए कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल यूनिट भी होती है तो अर्थमेटिक यूनिट भी होगी और लॉजिकल यूनिट भी होगी कंप्यूटर के अंदर यहां तक की बात क्लियर है तो आपको जब ये बचपन में पढ़ाया गया था कि ए एल यू होता है एएल होता है कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली एल यू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ठीक है जी क्लियर है यहां तक की बात अब दोस्त आपको ये समझाते हैं क्योंकि ये वाला चैप्टर जो हमने बात करा कि इन इक्वालिटी के अंदर डिटेल में आएगा तो हम डिटेल में वहीं डिस्कस करेंगे अभी हमारा इस चैप्टर में फोकस किस पे रहेगा इस पे रहेगा अर्थमेटिक हमारा फोकस रहेगा अर्थमेटिक साइंस के ऊपर अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा कि पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच तो मेरे दोस्त इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है यहां पर मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा कितना कि सर यहां पर जो आंसर है वो कितना आएगा बीस आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं पांच माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच तो मुझे बताएंगे कि कितना आंसर आने वाला है इस चीज का आंसर कितना आने वाला है कोई बताएगा इसका आंसर क्या आने वाला है पांच माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच इसका आंसर क्या आने वाला है जल्दी से बताओ फटाफट बिल्कुल प्रिया जी दीपांशु जी मंगू जी रंजन जी और इसी बीच में एक बहुत ही पुराने बाबा जी आ गए हैं साधु अनिल जी जो कि मोहन जोदड़ो जो और हड़प्पा हर, की जो सभ्यता है वहां से बिलोंग करते हैं वो साधु आ गए नमन साधु जी जो मोहन जोलड़ो और हर हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उनमें उनके अवशेष मिले थे उन अवशेषों को जोड़कर फिर से इन साधु को जिंदा किया गया जान फूकी गई है बिल्कुल तो दोस्त कई लोग है माइनस बीस बता रहे हैं कई लोग माइनस दस बता रहे हैं तो दोस्त यहां पर सिंपल सा आंसर है कि पांच प्लस का है बाकी माइनस का है तो यह कट हो जाएगा यहां बचेगा माइनस का दस यहां पर अगर हम बात करें पांच इंटू पांच इंटू पांच इंटू पांच तो मेरे दोस्त इसका आंसर आएगा छह सौ पच्चीस यहां तक की चीज में हमें सर कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि आप प्लस पांच को नहीं देख रहे थे बस इतनी सी गड़बड़ कर रहे थे बाकी ऐसा कोई कंफ्यूजन था नहीं दूसरी बात सर हमें इसमें यह भी देखने को मिली कि सर अगर मैं पहले इन पांच को जोड़ू इन दो पांच को जोड़ू फिर जोड़ू तो आंसर वही आना या फिर मैं इन दो पांच को जोड़ू और इन पांच को जोड़ के आंसर करूं तो भी आंसर वही आना है मतलब मैं इस एडिशन के ऑपरेशन को किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करूं तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही मतलब सर आप क्या बात करना चाह रहे हो कि सर आपने यह तो बता दिया कि गुणा दिखेगा और भाग दिखेगा तो भाग को पहले करना है और गुणा को बाद में करना है परंतु अगर सेम ऑपरेटर रिपीट कर जाता है तो सेम ऑपरेटर रिपीट करता है तो कैसे प्रायोरिटी देनी है तो कैसे प्रायोरिटी देनी है तो सर इसमें जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है बाकी में कोई दिक्कत नहीं है गुणा में भी कोई दिक्कत नहीं है गुणा में भी कोई दिक्कत नहीं है कोई भी पहले गुणा करो इन दोनों को गुणा करो या इन दोनों को गुणा करो या फिर इन दोनों को गुणा करो इनको गुणा करो आपका आंसर सेम आएगा बट 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 यहां पर खेल है ये कि दोस्त अगर आपको ये दे दिया जाए पांच भाग पांच भाग पांच भाग पांच इसमें आपका आंसर क्या आएगा मुझे आपके आंसर का इंतजार है फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा ये जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग बाबा जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग दीपांशु जी कह रहे ये बात तो है ठीक <laughs> है मुस्कान जी कह रहे ब्लर दिख रहा है तो मुस्कान जी 144 वाले पे मत देखिए इस वीडियो को यह वीडियो 1080 पे देखा जाना चाहिए ठीक है तो साधु जी कह रहे नया नया नाम हिमांशु विद्याधर बाबा बिल्कुल हमारा नाम भी यही है हमारा नाम गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार पीरकार शास्त्री है और बोलो और बोलिए इसमें क्या आंसर आएगा सनी सरोवर जी बोल रहे हैं एक तो एक प्रभु बोल रहे हैं एक एक प्रभु कह रहे हैं एक एक प्रभु कह रहे हैं माइनस का चौबीस बटा पांच माइनस का चौबीस बटा पांच ये क्या आ रहा है ये क्या बला है चौबीस बटा पांच बता रहे हैं और क्या आ रहा है प्रिया जी एक बता रहे शुभ शुभजीत जी बोल रहे एक बटा पच्चीस लिखिए सर एक बटा पच्चीस लिखिए अब देख रहे हैं प्रभु अलग अलग आंसर आ रहे हैं देखो अलग अलग माया आ रही है देखो यहां पर ठीक है एक बटा पच्चीस एक बटा पच्चीस देखिए डिवाइड की अगर हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त डिवाइड के अंदर आपकी नहीं चलेगी डिवाइड में ऐसा नहीं है कि पहले इन दोनों इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा तो भाग के अंदर मेरे दोस्त भाग जब डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड के अंदर दोस्त कैसे किया जाता है डिवाइड परफॉर्म ऑलवेज डिवाइड परफॉर्म ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट भाग हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या किया जाता है परफॉर्म किया जाता है लेफ्ट टू राइट परफॉर्म किया जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ परफॉर्म किया जाता है लेफ्ट से राइट right की तरफ क्या किया जाता है दोस्त परफॉर्म किया जाता है लेफ्ट से राइट right की तरफ परफॉर्म किया जाता है यानी कि सर पांच भाग पांच भाग पांच भाग पांच तो सर बताओ पांच में पांच का भाग लगेगा तो मेरे दोस्त पांच में पांच का भाग लगेगा तो कितना बचेगा एक अब एक डिवाइड पांच डिवाइड बाई पांच डिवाइड अब मेरे दोस्त एक डिवाइड कौन सा आपको माइनस दिख रहा है मुस्कान जी आप थोड़ा सा उसकी पिक्सल बढ़ाइए पिक्सल गड़बड़ कर रहे हैं आपके ये डिवाइड की साइन है सारे ऐसे ना करें ऐसा जुल्म ना डाये मुझ पर तो दोस्त ये डिवाइड का साइन है दोस्त हाँ, अब सारे के हाँ, सारे साइन साइन डिवाइड डिवाइड के के बिल्कुल आरू जी तो एक में, पांच का भाग लगाया, एक में पांच का भाग लगाया तो दोस्त एक में पांच का भाग लगाने के बाद में कितना आएगा एक बटा पांच डिवाइड पांच या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक में पांच का भाग लगाने पर पॉइंट दो डिवाइड बाय पांच आएगा पॉइंट दो डिवाइड बाय पांच आएगा और पॉइंट दो में अगर आप पांच का भाग लगाते हैं तो मेरे दोस्त ये आएगा पॉइंट जीरो चार जिसको आप एक बटा पच्चीस बोल रहे हैं एक बटा पच्चीस बोल रहे हैं यानी कि मेरे दोस्त जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा मतलब भाग के अंदर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त की हमेशा भाग किस तरह से माइनस वाला लास्ट नहीं माइनस नहीं था डिवाइड था सारे डिवाइड थे हमने बोला भी था मुंह से कि सब डिवाइड है अरे हमने बोला भी था यार दादा कि हमने सब बोला था कि सारे क्या है डिवाइड है ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है हमने बोला भी था कि कॉन्जिकेटिव जो है डिवाइड जो है वो होंगे यहां पर ओम प्रकाश जी कह रहे सर मुझे लगा माइनस है अरे ओम प्रकाश जी नहीं नहीं ओम प्रकाश जी डिवाइड है तो मेरे दोस्त डिवाइड है हमने बोला भी था कि सारे डिवाइड आ जाए तो क्या होगा तो मेरे दोस्त यहां पर एक बटा पच्चीस मतलब की पॉइंट जीरो चार जो है इसका आएगा। कोई बात नहीं आप समझ में आ गया कि यहां पर विजय विजय जी नमन स्वीकारें और एक चीज सीख कर जाए कि डिवाइड अगर सारे साइन डिवाइड के हैं तो डिवाइड ऑलवेज लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना है बाएं से दाएं परफॉर्म करना है बाएं से दाएं परफॉर्म करना है यहां तक की बात क्लियर है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मेरे दोस्त ये आपको परेशान कर सकता है पर अब परेशान नहीं होना है ठीक है अब परेशान नहीं होना यहां तक की बात क्लियर और इसी बीच में हम आपको एक चीज और बता दें कि दोस्त ये जो संख्या है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट संख्या है ये संख्या आप ध्यान रखें इतालीस बटा छियासी अब बराड़ हो गई है संख्या तो इकतालीस बटा बराड़ ये जो संख्या है ये ध्यान रखें आप ये ध्यान रखें ये चुभ रही है मेरे को यह ध्यान रखें बस ठीक है जी चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एस एस सी जेई पहले तो सुन लीजिए ए जेई का जो है फाउंडेशन कोर्स कोर्स जो है वो हमारा बिल्कुल चल रहा है उसके डेमो क्लासेस के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना है और दोस्त इसमें आपके जो सेल्ट फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं ये है आपका फोर के इंटरेक्टिव पैनल क्लासेस चल रही है वन ईयर का वैलिडिटी है टाइमली कोर्स कंप्लीट होगा पर्सनल गाइडेंस मिलेगी रिकॉर्डेड लाइव क्लास भी रहेगी पीडीएफ मिलेंगे डीपीपी शीट मिलेगी ये सब चीजें चल रही है लाइव फ्रॉम क्लासरूम का कॉन्सेप्ट भी है ए जेई के लिए ये बैच फाउंडेशन बैच है तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है डेमो क्लास के लिए सेकेंड थिंग जो हमने कल भी बात करी थी दोस्तों ये है आपका एस सी जेई का टेस्ट सीरीज जो आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सभी टीचर द्वारा एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं तो बिल्कुल ये चीज है दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट रहेंगे डिटेल्ड आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और टेस्ट के बाद में सभी टेस्ट का एनालिसिस रहेगा ठीक है दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप वन की और टाइप वन हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिएगा ठीक है एग्जाम पर क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है तो एग्जाम में कोस क्वेश्चन जो है दोस्त बिल्कुल एग्जाम में जो कोर्स है वो आपका सॉरी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है जिसके अंदर आपको कोडिंग की फॉर्म में देता है यदि प्लस का अर्थ भाग है प्लस का अर्थ क्या है भाग है माइनस का अर्थ क्या है जोड़ है गुणा का अर्थ क्या है माइनस है और भाग का अर्थ क्या है गुणा है ये दे रखा आपको ये सबसे पहले तो कोडेड दे रखा है प्लस तीन गुणा चार। तो, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे प्यार से समझा रहा हूं कि करना क्या है कि दोस्त जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम मॉडल क्वेश्चन है बिल्कुल ये एग्जाम मॉडल क्वेश्चन की बात हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो दोस्त आठ या भाग को क्या लिखा जाता है गुणा तो भाग को करना है चेंज किससे गुणा से गुणा चार माइनस को क्या लिखा जाता है जोड़ तो जोड़ और जोड़ को क्या लिखा जाता है भाग तो भाग तीन और गुणा को क्या लिखा जाता है माइनस तो माइनस तो का चार सबसे पहले तो आप इनको क्या करिए परिवर्तित कर लीजिए सबसे पहले तो क्या कर लीजिए परिवर्तित कर लीजिए दूसरी बात अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मेरे दोस्त सबसे पहले भाग परफॉर्म होगा मतलब छह डिवाइड बाई तीन मैं आपको बता दूं एक बात और इंपॉर्टेंट कि छह भाग तीन और तीन भाग छह ये दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग है छह भाग तीन का मतलब है छ में तीन का भाग लगाओगे तो दो आएगा और तीन भाग छह का मतलब है तीन में छह का भाग लगाओगे तो एक बटा दो आएगा अतः इस चीज का खास ख्याल रखें कि तीन भाग छह है या छह भाग तीन है तो दोस्तों छह में तीन का भाग लगाया बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं तो कितना आएगा दो आएगा माइनस का चार ये आपने भाग को परफॉर्म कर दिया अब मेरे दोस्त गुणा को परफॉर्म करेंगे तो आठ को चार से गुणा किया तो कितना आया आठ चौक बत्तीस प्लस दो माइनस का चार अब मेरे दोस्त गुणा को जोड़ को परफॉर्म करेंगे तो कितना आया चौतीस और चौंतीस में से चार घटाए तो कितना बचेगा तीस यानी कि तीस कहीं भी नहीं दिख रहा है मतलब नन ऑफ दीज ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्या सभी के समझ में आ गया मेरे हिसाब से सभी ने बचपन से यह कार्य किया है

इस तरह के क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे अभी दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें दूसरे क्वेश्चन पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में वापस मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरे क्वेश्चन पे फिर से लेकर चलूंगा सबसे पहले देखो यहां पर आपको क्या दे रखा कोडिंग क्या दे रखी कि प्लस का अर्थ है भाग प्लस का मतलब है भाग माइनस का अर्थ है जोड़ माइनस जहां लिखोगे उसका मतलब है जोड़ गुणा का अर्थ है माइनस गुणा जहां लिखोगे उसका अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ क्या है जोड़ सॉरी भाग का अर्थ क्या है गुणा तो मेरे दोस्त अगर आपको लिखा है 21 भाग 8, 21 भाग 8 प्लस दो माइनस तेरह इंटू तीन ये तो क्वेश्चन ने लिखा है अब आपको क्या लिखना है एग्जाम में एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है एग्जाम में आपको, आपको डायरेक्ट लिखना है कि सर इक्कीस है अपनी रफ कॉपी में लिखना है इक्कीस और भाग तो ये देखो भाग का मतलब क्या है भाग का मतलब गुणा ये भी एग्जाम में नहीं लिखना है ये भी नहीं लिखना है 21 भाग फिर ऊपर जाओ भाग का मतलब क्या कह रहा है भाग का अर्थ है गुणा तो 21 गुणा आठ यह एग्जाम में 21 गुणा आठ ठीक है दोस्त फिर प्लस प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ है भाग तो आठ भाग दो जो लाल से लिख रहा हूं वही एग्जाम में लिखना है माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ है जोड़ तो माइनस का अर्थ हो गया जोड़ गुणा गुणा का अर्थ क्या है माइनस और ये तीन आ गया ये आ गया ठीक है दोस्त अब सबसे पहले तो आठ में दो का भाग लगेगा तो आठ में दो का भाग लगा तो कितना आया चार प्लस तेरह माइनस का तीन अब 21 चार से गुणा होगा तो कितना बनेगा 84 प्लस का 13 माइनस का 3 अब मैं आपको बता दूं जोड़ और बाकी में आप कोई भी पहले करो कोई भी बात में करो तो जोड़ और बाकी में किसी भी प्रकार का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा आप पहले जोड़कर घटाओ या घटाकर जोड़ो कोई भी फर्क नहीं आएगा तो तेरह में से तीन गया दस और दस उसमें जोड़ा तो कितना आएगा नाइन्टी यानी कि आपका नाइन्टी यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी कि 94 इसका आंसर आने वाला है और बहुत ही आसान सा काम है एक नंबर एग्जामिनर फ्री में बांट रहा है वो आपको केवल उठाना है और अपनी जोली में डालना है ठीक है रोय गुंजा जी कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन ऐसा है ये हर एग्जाम में आएगा आपका ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है दिए आपको 45 सेकंड 45 सेकंड में फटाफट इसका आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर दो का आ गया क्वेश्चन नंबर दो मैं लाऊंगा रंजन जी पहले एक बार मैं ये क्लियर करवा दू दो नंबर पर भी आऊंगा मुझे याद है दो नंबर कराना है निश्चिंत रहिए बिल्कुल सुनील जी चोरान जो है उसका सही आंसर होगा चोराण ठीक है चलिए इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है फोर्थ क्वेश्चन कुछ लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग डी बता रहे हैं मनोज जी बी बता रहे हैं पूजा जी डी बता रहे हैं रोहित जी बी बता रहे हैं गुंजा जी मुस्कान जी सी बता रहे हैं देखिएगा दोस्त अब एग्जाम में कैसे लिखना है सर एग्जाम के अंदर ऐसे लिखना है आठ प्लस प्लस का मतलब क्या है प्लस का अर्थ है भाग प्लस का अर्थ है भाग तो आठ भाग भाग का अर्थ क्या है भाग का अर्थ है माइनस तो भाग का अर्थ है माइनस तो छ माइनस चार माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ है गुणा तो माइनस का अर्थ हो गया गुणा और गुणा का अर्थ क्या है गुणा का अर्थ है जोड़ गुणा का अर्थ है जोड़ प्लस तीन सबसे पहले आठ में छ का भाग लगेगा आठ में छ का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो आठ में कितना जाएगा वो तो देखो आठ में छ का भाग जाओ करोगे तो सर ये बनेगा चार बटा तीन तो चार बटा तीन को ऐसे का ऐसा लिख दीजिए इसमें कुछ भी बदलाव मत करना चार बटा तीन और उसके बाद में चार इंटू सात प्लस तीन अब चार बटा तीन तो सात चौक अट्ठाईस प्लस तीन तो चार बटा तीन माइनस का अट्ठाइस प्लस का तीन ये बनेगा माइनस का पच्चीस अब एलसीएम ले लीजिए तीन एलसीएम आएगा चार और पच्चीस पिछहत्तर तो बचेगा माइनस का इकहत्तर बटा तीन माइनस का सेवेंटी वन बाई थ्री यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है और बिल्कुल डी जो है बी जो है उसको क्या कह रहे हैं दीपांशु जी कह रहे हैं बी वालों को प्रणाम करें बिल्कुल <laughs> ठीक है क्लियर है चलिए क्लियर है यहां तक की बात ये क्या कह रहे हैं सुनील जी क्या कह रहे हैं अनिल जी क्या कह रहे हैं बाबा भूरे होने का कारण क्या राज्य है हमें बताएंगे हम कैसे होए भूरे भूरे होने का भूरे होने का क्या राज्य भूरे होने का क्या राज्य है राज्य अच्छा त्वचा का रंग भूरे भूरा होने का राज्य है मेरे दोस्त कि हम क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो वानर थे बंदर थे और बंदर के बाल कैसे होते हैं बुरे होते हैं तो बुरे ही लगेंगे और दोस्त जो व्हाइट दिख रहे हैं जिनके जो है शरीर पूरा वाइट दिख रहा है वो क्या है एक्चुअली जो गधे हैं वो क्या होते हैं उनको सफ़ेद होते हैं तो जो उनके पूर्वज हैं वो सफ़ेद दिखेंगे तो अगर आप सफ़ेद दिख रहे हैं तो इस तरह से विचार कीजिएगा ठीक है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते इसमें जो पूर्वजों का रंग है वो ही आपका रंग रहेगा ठीक है <laughs> और वानर जो है वो वानर तो किसी न किसी दिन विकसित होकर मनुष्य बन जाएगा और गधा जो है वो गधा ही रह जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया उपाय बताया सुनील जी ने फिर भी करना है तो ये उपाय बिल्कुल कारगर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हो गया मजाक अब इधर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पंद्रह माइनस दो तो माइनस का साइन माइनस का मतलब क्या है माइनस का अर्थ है गुणा माइनस का अर्थ है गुणा तो पंद्रह गुणा दो भाग ठीक है भाग भाग का अर्थ क्या है भाग का अर्थ है जोड़ भाग का अर्थ है जोड़ नाइन हंड्रेड और प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ है भाग प्लस का अर्थ है भाग प्लस का अर्थ है भाग नाइनटी और गुणा का अर्थ क्या है गुणा का अर्थ है गुणा का अर्थ है क्या गुणा का अर्थ है माइनस ये माइनस सो ठीक है जी क्लियर है क्लियर है यहां तक की बात अब देखिएगा दोस्त सबसे पहले तो पंद्रह इंटू दो नौ सौ में नब्बे का भाग लगेगा नौ सौ में नब्बे का भाग लगेगा तो कितना आएगा दस माइनस का सौ और पंद्रह इंटू दो करा तो तीस तीस प्लस दस माइनस का सौ तो यार चालीस माइनस का सो दैट इज योर नथिंग बट माइनस का सिक्सटी तो इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल क्लियर है यहां तक की बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला कई बार आपके इस तरह से भी दे देता है कि डी बीच में डाल दिया तो दोस्त यहां पर बोला ए का अर्थ है जोड़ तो ये वाला जो काम है मैं यहां पर लिख रहा हूं ए का अर्थ क्या दे रखा ए का अर्थ है जोड़ फिर आपको बता रहा बी का, का अर्थ है माइनस तो जहां बी लिखेगा वो एक्चुअल में माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग डी का अर्थ है भाग तो आपको ये सारे साइन दे रखे कि इसका, इसका 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 ये मतलब निकल रहा है ठीक है जी अब आपको बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा तो आप जो मैंने दूसरा क्वेश्चन छोड़ा था वो दूसरा क्वेश्चन यही था कि टाइप टू आप ये मान के चलिए कि टाइप टू का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है मेरे दोस्त आपको इस बार नया क्या है बिल्कुल <laughs> इसमें नया क्या है इसमें नया ये है नया ये है विजय जी बहुत बढ़िया बात कही है। आपने नया ये है कि इस बार आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा मतलब कि ये क्वेश्चन सब कुछ आते हुए भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा क्यों लेगा क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन हर एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा यह क्वेश्चन आपका होता है टाइम कंज्यूमिंग टाइम को कंज्यूम करता है यह क्वेश्चन इसमें कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है क्योंकि आपको एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा जैसे ऑप्शन ए को चेक किया अगर आपकी किस्मत अच्छी है और ऑप्शन ए पर ही आंसर बैठा है तो आंसर निकल गया और अगर मान लो ए से चेक कर रहे हो और सी पे आंसर है तो दो तो चेक करने पड़ेंगे तीसरा भी चेक करना पड़ेगा तो सर ए का अर्थ है प्लस तो सबसे पहले एट बी बी के जगह बी के जगह कितना आएगा बी की जगह आएगा माइनस तो देखिए दोस्त ऐसे चलते जाते हैं माइनस का छ जितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा डी का अर्थ है भाग ये भाग लगा के तीन लिख दिया फिर ए का अर्थ है प्लस प्लस का चार लिख दिया और सी का अर्थ है गुणा ये तीन लिख दिया और ये देखना है कि क्या ये पंद्रह के बराबर आ रहा है या नहीं तो सबसे पहले तो छह में तीन का भाग लगाया कितना आया दो चार इंटू तीन फिर आठ माइनस दो चार तीन बारह तो मेरे दोस्त इसको जब सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे दोस्त मेरे को मिल रहा है अट्ठारह जबकि यहां पर कितना आ रहा है यहां पर आ रहा है पंद्रह जो कि बराबर नहीं है अतः ऑप्शन ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ठीक है ऑप्शन बी पे बात करें नाइन सी सी का अर्थ क्या है गुणा सी का अर्थ है क्या गुणा सी का अर्थ है गुणा तो नाइन गुणा नो बी का अर्थ है माइनस बी का अर्थ है माइनस माइनस का नो डी का अर्थ क्या है डी का अर्थ है भाग डी का अर्थ है भाग भाग नो और ए का अर्थ क्या है प्लस नो ठीक है जी तो नौ में नौ का भाग लगाया तो सबसे सबसे पहले देखो नौ नो नो इंटू नो और नौ में नौ का भाग लगाया एक लग प्लस तो इक्यासी माइनस का एक प्लस करेंगे दोस्त आएगा एट्टी नाइन जो कि सत्रह के बराबर नहीं है मेरे दोस्त ऑप्शन तो बी भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ठीक है ऑप्शन बी भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया अब दोस्त देखिएगा ऑप्शन सी की बात करते हैं प्लस का अर्थ क्या है प्लस थ्री प्लस थ्री बी का अर्थ क्या है माइनस बी का अर्थ है माइनस थ्री थ्री माइनस थ्री और सी का अर्थ क्या है सी का अर्थ ये सी और डी आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहां पर ये आपका सी थ्री डी आएगा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया बोर्ड मास ही गलत हो रहा C और D कैसे आ रहा है एक साथ वैसे ही गलत हो गया सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सी और डी सी और डी दो लगातार साइन आ रहे हैं आप एक चीज समझते हैं एक चीज मैं आपको बता दूं सभी को बता दूं कि अगर आप ऐसा लिखते हैं पंद्रह प्लस और गुणा तीन और इसका आप इक्वल टू साइन लगाते हैं और अगर आप कैल्सी में ये करके देखते हैं आप कैसीू वाले कैल्सी में करके देखेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ आएगा मैथ एरर मैथ एरर मैथ नहीं सॉरी सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर मेरे दोस्त मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कैल्सी के अंदर जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं कैल्सी यूज करते हैं केसीयू वाला केसीयू वाला कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें दो प्रकार की एरर होती है आपकी एक होती है आपकी एम ए टी एच मैथ एरर और एक होती है एस वाई सिंथेक्स एरर कोई प्रभु इतना ज्ञानी हो जो बताए कि यार ये सिंटेक्स एरर और मैथ एरर में क्या डिफरेंस होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एरर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एरर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सिंटेक्स एरर और मैथ एरर में क्या डिफरेंस होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एरर? बिल्कुल अब मेरे को बताओ आरव जी आरू जी दीपांशु जी मनीष जी, चंगू मंगू जी रंजन जी ये आपका दोस्त ये है आपका बिल्कुल लीक से हटकर बात मतलब ये चीज आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी कि आज की चीज में ये चीज ऐसी चीज भी गुरुजी डिस्कस कर सकते हैं हमारे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं एरर बहुत बड़ी नंबर में होती है तो क्या मैं एरर बड़ी नंबर में होगी छोटी नंबर में एरर नहीं आएगी मैं एर सिंटेक्स एम टाइपिंग एरर ब्रैकेट का ब्रैकेट का यार सही से एक्सप्लेन करो यार दीपांशु जी सही से करो एक्सप्लेन टाइपिंग मिस्टेक्स टाइपिंग मिस्टेक मतलब क्या जैसे कि अगर मैं सौ लिखने वाला था उसकी जगह एक सौ एक लिख के भाग तीन कर दिया मेरा कॉपी में तो सौ बटा तीन लिखा हुआ था और मैंने ये लिख दिया तो टाइपिंग एरर तो ये भी हो गई तो क्या ये भी एरर के अंदर आएगा क्या बताओ ये भी एरर में आएगा क्या 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 ये भी, भी सिंटेक्स एरर में आएगा क्या? दि दिवेश जी कह रहे हैं सिंटेक्स में साइन का गलत होना साइन का गलत होना मान लीजिए मेरी कॉपी में सौ बटा तीन लिखा हुआ था और मैंने वहां पर सौ गुणा तीन लिख दिया तो क्या ये सिंटेक्स एरर में आएगा क्या साइन तो मैंने गलत लिख दिया दीपांशु जी कह रहे हैं आई थिंक मैं सिंबल्स मै एरर में सिंबल्स दीपांशु जी कह रहे हैं आउट ऑफ के सीओ लिमिट बिल्कुल दीपांशु जी अब दीपांशु जी ने सही बात करी है बहुत बढ़िया दीपांशु जी ने सही बात करी है दीपांशु जी समझा पा रहे हैं इस बात को बहुत बढ़िया जयसवाल जी कह रहे हैं द इक्वेशन दैट हैज बीन इनपुट हैज इन करेक्ट सिंटेक्स ऑफ नंबर्स वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया अब मेरे को जो है यतेंद्र जी भी देख रहा हूं कलप्रीत जी भी बता पा रहे हैं बिल्कुल मेरे दोस्त सिया जी भी बता पा रही है मैथ एरर का मतलब ये होता है मेरे दोस्त मैथ एरर का मतलब आपने तो अपनी तरफ से सही किया है काम परंतु केसीओ की लिमिट में नहीं है केसीओ का मतलब बता नहीं पा रहा है जैसे कि अगर आपने ये कर दिया ये कर दिया इतना बड़ा पावर लगा दिया तो इतना बड़ा पावर लगाते ही वो क्या बोलेगा वहां पर आ जाएगा मैथ एरर मतलब कि इसका आंसर निकल तो सकता है पर इसका आंसर उसके द्वारा निकाल पाना संभव नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी बड़ी आने वाली है कि वो वैल्यू को लिख नहीं पा रहा है तो वो क्या कहेगा उसको मैथ एरर का नाम दे देगा सिंटेक्स एरर और बताता हूं मैथ एरर का नाम और मैथ एरर क्या होती है बताता हूं सिंटेक्स एरर का मतलब ये होता है कि आपने लिखने में क्या करा है कुछ गड़बड़ करी मैथ एरर में भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल और दिखाता हूं सिंटेक्स एरर का मतलब यही है कि जैसे आपने चौदह भाग और गुणा भाग तीन करके लिख दिया तो ये मेरे दोस्त ये चला जाएगा सिंटेक्स एरर के अंदर यह किसमें चला जाएगा सिंटेक्स एरर के अंदर जैसे दो साइन एक साथ लगा है मैं एरर का और बेहतरीन सुंदर सा एग्जांपल देखिएगा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स तीन इक्व टू वॉट इसका मान अगर मैं पूछता हूं तो ये वाली एरर किसके अंदर जाएगी ये वाली एरर किसके अंदर जाएगी ये वाली एरर किसके अंदर जाएगी मैथ एरर में जाएगी या सिंटेक्स एरर में जाएगी ये वाली एरर किसके अंदर जाएगी मैथ एरर में जाएगी या सिंटेक्स एरर में जाएगी ये वाली एरर किस में जाएगी मैथ एरर में जाएगी या सिंटेक्स एरर में जाएगी पहले तो बताओ ये एरर है भी या नहीं है पहले तो ये बताओ ये एरर है भी या नहीं है ये एरर है भी या नहीं है ये एरर है या नहीं है अगर है तो किस में जाएगी ये किस में जाएगी मैं ये पहले तो बताओ ये एरर है भी या नहीं है अगर है तो क्या है एरर और अगर एरर है तो क्या है एरर और क्या है उसके बाद में बताओ कि किस में जाएगी पहले तो बताओ मैथ तो एरर क्यों है इसमें जी कह रहे हैं ये तो सॉल्व हो जाएगी अरे मेरे प्रभु ये कैसे सॉल्व हो जाएगा सोचो आप इस चीज को साइन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में होती है इससे बड़ी हो ही नहीं सकती है तो अगर आप साइन इनवर्स तीन निकाल रहे हो कि थीटा का ऐसा मान निकालो जिसपे साइन का मान साइन का मान तीन आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है अतः ये जो एरर है ये पहली बात तो ये एरर है दूसरी बार ये लिखने में लिखने में गड़बड़ नहीं है ये आपका मैथमेटिकल इनपुट ही क्या है गलत है ये मैथ एरर के अंदर जाएगा ये किस में जाएगा मैथ एरर के अंदर जाएगा ये मैथ एरर के अंदर आएगा और देखो दोस्त मैथ एरर के अंदर और कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं जैसे मैथ एरर के अंदर एक एग्जाम्पल तो यह आ गया मैथ एरर के अंदर एक एग्जाम्पल तो ये आ गया जैसे कि साइन इनवर्स आपने तीन किया तो मेरे दोस्त मैथ एरर में बजेगा मैथ एरर में आ जाएगा ये दूसरी बात मेरे दोस्त मैथ एरर में ये भी आ सकता है कि लॉग लॉग टेन बेस माइनस का थ्री ये अगर आप पूछ रहे हो लॉग टेन बेस माइनस का थ्री तो दोस्त अगर आप ये लिख रहे हो या फिर जैसे मेरे दोस्त ये लिख रहे हो तो दोस्त ये वाला भी मैथ एरर में आएगा क्यों आएगा मैथ एरर में उसका रीजन साफ है स्पष्ट है मेरे दोस्त की जो यहां इनपुट होता है वो इनपुट आपका क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है ग्रेटर देन ग्रेटर देन जीरो होता है अतः ये भी मैथ एरर के अंदर आ जाएगा ये भी मैथ एरर के अंदर आएगा इवन अगर आप लॉग बराबर वन और ये करके लिखते हो मेरे दोस्त ये भी मैथ एरर में आ जाएगा ये भी मैथ एरर के अंदर आ जाएगा क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू बेस का वैल्यू वन नहीं हो सकता तो दीज काइंड ऑफ थिंग आर मैथ एरर और अगर आप और अगर आप जीरो बटा जीरो करोगे तो ये भी मैथ एरर में बच जाएगा मैथ एरर के अंदर आ जाएगा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर मैथ एरर्स ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैथ एरर ठीक है यहां तक की बात क्लियर है तो कैल्सी में कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो अब क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो सी ऑप्शन है यह आपका किस में आ गया ये मैथ एरर का शिकार ये सॉरी सिंटेक्स एरर का शिकार हो रहा है क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं लिखने के फॉर्मेट में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो सिंटेक्स एरर में आएगा जैसे अगर एक सिंटेक्स एरर का एग्जाम्पल आपको और बताएं जैसे आपने ये लिखा चौदह ब्रैकेट भाग तीन प्लस पांच और बराबर का साइन दबा दिया तो क्या ये मैथ एरर में ये एरर में बजेगा या नहीं बजेगा क्या ये सिंटेक्स एरर में बजेगा नहीं बजेगा ये सिंटेक्स एरर में बजेगा नहीं बजेगा मुझे बता दो कि एरर में आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा सिंटेक्स एरर में क्यों क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाया है एंडिंग का ब्रैकेट कहां है एंडिंग का ब्रैकेट कहां है अतः ये ये भी किसमें आ जाएगा आपके सिंटेक्स एरर के अंदर आ जाएगा मेरे हिसाब से ये चीजें ये चीजें आपने आज तक कभी सोची नहीं होगी कईयों ने सोचा होगा तो बहुत कम चीजें जो है सोची होगी जैसे सौरभ जी ने बताया कईयों ने बताया अभी तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर पाए बहुत बढ़िया बात थी उनकी पर ये जो चीजें थी कुछ चीजें जैसे ये चीज थी ये चीजें तो कुछ लोगों के लिए ये भी नहीं थी कि इस तरह की मैथ एरर होती है सिंटेक्स एरर क्या होती है बहुत ही अच्छे से अपन ने इस चीजों को क्या किया यहां पर डिस्कस किया है तो ये आपके आज के क्लास का जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं मानता हूं कि आज की क्लास में आप क्या नया सीख के गए हो तो कई बच्चे जो है ये चीज नया सीख के गए कि कैलसी में जो मैथ एरर और सिंटेक्स एरर है ये क्या होता है क्योंकि दोस्त कहीं भी इंटरव्यू के अंदर अगर मैं खासकर बात करूं तो इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ठीक है जी चलिए तो मेरे दोस्त यहां पर अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं क्योंकि सी में तो हमने क्या बोला है कि सैया भैया जो है वो क्या बज रहा है इसके अंदर इसके अंदर आ रहा है आपका सिंटेक्स एरर अब देखिएगा एट ए ए का मतलब कितना है प्लस एट का मतलब ए का मतलब कितना प्लस एट प्लस एट और बी का मतलब क्या है माइनस माइनस एट और सी का मतलब क्या है गुणा एट तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम देखें तो सर सबसे पहले तो आठ को आठ से गुणा किया तो आ टू एंटी चौसठ और सोलह चौसठ में से सोलह घटाए तो माइनस का अड़तालीस यस माइनस का अड़तालीस आ रहा है अतः डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अतः डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए रंजन जी जयसवाल जी मंगू जी अनिके जी पीके गुजर जी पीके गुजर जी कह रहे हैं सर सिक्सटी सेवन ही लाइक है 97 सेवन लाइक है 97 सेवन लाइक लाइव है तो क्या करें यार दोस्तों अब बताओ हम अच्छा पढ़ा सकते हैं उसके लिए भीख तो नहीं मांग सकते ना कि उसके लिए लाइक करो क्या करें बताओ काम करे बोरी ले लें बोरी के अंदर एक इधर से छेद निकलवा ले एक इधर से छेद निकलवा ले और वो बोरी पहन के कटोरा लेके बैठ जाए लाइक कर दो लाइक कर दो अच्छा लगेगा है? अब देखिएगा दोस्त ये जो सेकंड क्वेश्चन कई चिल्ला रहे थे कि टू किधर है वन टू फोर वन टू फोर थ्री किधर है ऐसे टू किधर है ये टू ये वापस क्वेश्चन ले आए हैं मेरे दोस्त इसमें भी यही करना है आपको कि आपको इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा वन बाय वन एक एक ऑप्शन को चेक करते जाना है और सही करते सही बताना है कौन सा होगा तो मेरे दोस्त ये आपके सामने क्वेश्चन है इसको ट्राई करिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा फटाफट ट्राई करिए और बताइए कौन सा सही होगा सभी को क्वेश्चन विजिबल है किसी को क्वेश्चन की विजिबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन की विजिबिलिटी ये ठीक है मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही होगा ठीक है यतेंद्र जी ममता जी रंजन जी मंगू जी ममता जी अश्विनी जी बाबा जी से अनुरोध है कि यहां से शानदार ट्रिक ना बताएं, लाइक तो करता नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं मंगू जी कह रहे जूम करो कर दिया जूम प्रभु और जूम करें और जूम करें ये लो अब इससे ज्यादा जूम नहीं करेंगे ठीक है बताइए नंदकिशोर जी सी बता रहे हैं, ममता जी कार्तिक जी मनीष जी कार्तिक जी आ गए हैं गुड मॉर्निंग मनीष जी अश्विनी जी अनीता जी, अनि जी जी वीजे वीजे जी अर्पित विजय विजय तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका ए ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले तो हम इसका ए ऑप्शन चेक करेंगे ए ऑप्शन चेक करते हैं ए ऑप्शन में देखिएगा चार माइनस तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो यहाँ साइड में ये लिख लो कि माइनस का अर्थ है भाग गुणा का अर्थ है जोड़ जोड़ का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस ठीक है अब देखिएगा तो चार माइनस माइनस का अर्थ है भाग दो गुणा का अर्थ है प्लस भाग का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है माइनस ठीक है जी और ये देखना है कि ये बीस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो चार में दो का भाग लगाया दो प्लस दस माइनस दो माइनस दो दो प्लस दो माइनस तो दो दस और दो आठ आ रहा जबकि बीस आ रहा जो कि बराबर नहीं है अतः ऑप्शन ए गलत हो गया ऑप्शन बी को चेक करते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो चार प्लस प्लस का अर्थ क्या है गुणा माइनस माइनस का अर्थ है भाग बटा दस गुणा गुणा का अर्थ क्या है प्लस दो और भाग का अर्थ क्या है माइनस कई जो है इस चक्कर में फंस गए होंगे और बी आंसर करके बढ़ गए होंगे कई लोगों ने बी आंसर किया भी होगा मुझे पता है बी आंसर किया होगा ने मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं विजय विजय जी ने भी बी आंसर करा था जल्दी जल्दी में दोस्त चार गुणा या दो भाग दस है बस यहां गड़बड़ मत कर देना दो भाग दस है दस भाग दो नहीं है दो भाग दस है और दो भाग दस है इसका मतलब दो में दस का भाग लगाना था जो कि आएगा एक बटा पांच ना कि पांच और प्लस दो माइनस का दो अब चार बटा पांच बनेगा ये बेटा चार बटा पांच बनेगा और दो से दो कट हो जाएगा जीरो तो बीस के बराबर नहीं है कई लोगों ने यहां पांच लिखकर पांचों बीस करके दो में से दो ऑप्शन गलत आंसर है बी ऑप्शन जिन जिन ने किया वो छोटी गंगा में कूदते जा रहे थे उन्हें पता भी नहीं चला छोटी गंगा में कूद गए वो अब सी ऑप्शन में देखिएगा सी ऑप्शन में चार माइनस माइनस का अर्थ क्या है भाग दो और गुणा का अर्थ है प्लस दो और प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ क्या है माइनस और ये दो सबसे पहले चार में दो का भाग लगेगा दो प्लस दो गुणा दो माइनस का दो और फिर सर दो इंटू बीस दस करेंगे तो बीस माइनस का दो दो से दो कट हो जाएगा बीस ये वही ना बात की बीस बीस के बराबर आ रहा है अतः सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो जिन जिन ने बी बताया उनको शत शत मेरा नमन है चलिए ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त ये चीज समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन पे से जो पूछे जाना वाला क्वेश्चन है मतलब कि आपके ये मान के चलिए 90 परसेंट चांस है कि इस क्वेश्चन यहीं से मिलेगा 90 परसेंट चांस है 90, 90, 90 से भी ज्यादा कर देता हूं मैं 95 से 96 चांस है या फिर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर बात कर लेता हूं 97.93 परसेंट चांस है कि क्वेश्चन यहीं से मिलेगा टाइप वन में से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है मतलब इतना सब कुछ जो है आपके इसी इसी में से देखने को मिलेगा अब मेरे दोस्त इसके अलावा और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो टाइप टू टाइप टू भी इसी से मिलता जुलता है टाइप टू भी मिलता जुलता है जिसमें देखिए दोस्त क्या किया है यहां पर यह बोला है इस बार कि दिए गए चिन्ह समूह में से इनमें से कौन सा इन ब्रैकेट की जगह लगा दूं ये खालिस्तान देख रहे हैं इनकी जगह लगा दूं कि ये इक्वेशन क्या हो जाए सही हो जाए तो मुझे जरा बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका काम करेगा डी में ये नहीं आएगा डी में आएगा नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज चलिए बताइए बताइए ये बताइए दिए गए चिन्ह समूह में से समीकरण के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए चलिए एक मिनट इसको साइड में करना क्या करें अर्पित जी अर्पित जी एक बार वापस करिएगा आपका कमेंट अर्पित जी एक बार वापस करिएगा सर उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस का इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट पिन हो रखा है अच्छा कमेंट पिन कर दीजिए एक बार और कह रहे हैं तो कर दीजिए ठीक है तो सर देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं ऑप्शन ए को रखकर चेक करते हैं तो लाइन वाइज रखते चलिए आठ आठ के बाद में प्लस चार चार के बाद में भाग दो के बाद में गुणा छ और फिर माइनस का तीन और चेक करिए बत्तीस आ रहा है या नहीं आ रहा है तो सबसे पहले चार में दो का भाग लगाया तो कितना आया दो इंटू छाइनस का तीन फिर छुनी बारह माइनस का तीन तो बीस माइनस तीन कितना सत्रह जो कि बत्तीस के बराबर नहीं है अतः ऑप्शन ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन बी को चेक करिए ऑप्शन बी की बात करते हैं तो आठ प्लस का चार गुना दो भाग तीन भाग छाइनस का तीन दो भाग छ करोगे तो मेरे दोस्त ये आएगा एक बटा तीन ये रायता फैल गया है अब यह समेटा नहीं जाएगा इसके अंदर चार बटा तीन हो गया है ये तीन आ गया है ये पांच प्लस चार बटा तीन आएगा ये उन्नीस बटा तीन आएगा जो कि बत्तीस के बराबर नहीं है अतः ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन सी ऑप्शन सी को देखें तो आठ माइनस का चार गुणा दो भाग छह और प्लस का तीन तो दोस्त इसमें भी वही बात है कि सर जैसे ही दो में छह का भाग लगेगा वो मेरे दोस्त एक बटा तीन बन जाएगा तो मेरे दोस्त यह बनेगा आठ माइनस का चार बटा तीन प्लस का तीन तो ये बनेगा ग्यारह माइनस चार बटा तीन जो कि आप सोल्व करेंगे तो दस आपका बटे में तीन आएगा जबकि हमें बटे में तीन नहीं चाहिए ऑप्शन सी भी कैंसिल ऑप्शन डी की बात करें तो मेरे दोस्त आठ गुणा चार आठ गुणा चार माइनस का दो प्लस का छ और भाग तीन तो सर 6 में तीन का भाग लगाएं आठ इंटू चार माइनस का दो और ये दो आठ चौक बत्तीस बत्तीस का माइनस का दो प्लस का दो तो ये कट हो गया कितना बचा बत्तीस और बत्तीस आ रहा है अतः डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल क्लियर है यहां तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो हम कर सकते हैं ठीक है जी इस क्वेश्चन का आंसर करिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए ये है आपका इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी काफी आपके एग्जाम में आता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि इन साइंस को इनसे इंटरचेंज कर जल्दी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं है आप, आप नीचे से चेक करोगे अनीता जी जिस दिन आपने नीचे से चेक किया ना उस दिन आपको देखना ऑप्शन आंसर मिल जाएगा ये ऐसा सब ट्राई करके देख चुका हूं मैं ठीक है हमें ऐसा लगता था पहले कि यार सबसे नीचे जो है आंसर बैठा होता है फिर जस दिन जैसे दो तीन क्वेश्चन किए तो उसमें देखा कि ऑप्शन ए में जो है दो लगातार क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें ऑप्शन ए में आंसर आ रहा है फिर ऑप्शन अगले वाले को ऑप्शन ए से चेक किया तो फिर पता चला उसमें सबसे नीचे डी में आंसर बैठा था ठीक है यहां तक की बात क्लियर किसी में कह रहे हैं कि लगातार दो है लगातार प्लस है लगातार प्लस नहीं है मेरे दोस्त प्लस और भाग है प्लस और भाग है से खोलो अपने दीदे खोलो प्लस और भाग है प्लस और भाग है ठीक है जी इसमें बोला है प्लस और माइनस और आठ और सात को परस्पर बदलने से कौन सा कौन सा जो है पद जो है वो सही होगा तो एक तो आठ और सात को परस्पर बदलना है और एक जोड़ और बाकी को परस्पर बदलना है तो ऑप्शन ए की बात करें तो छ प्लस को बदला माइनस से माइनस का आठ और गुणा को तो गुणा ही रहने देना है तो आठ को किससे बदलना है सात से तो आठ बदल दिया सात से और प्लस बदल दिया माइनस से ये हो गया गुणा गुणा ही रहेगा दो दो ही रहेगा माइनस माइनस को किससे बदलना है प्लस से और सात उसको किससे बदलना है आठ से आया समझ में जहां प्लस दिखेगा वहां माइनस आएगा जहां आठ दिखेगा वहां सात आएगा जहां माइनस दिखेगा वहां प्लस आएगा और जहां सात दिखेगा वहां आठ आएगा यही काम मैंने किया है यही काम मैंने किया है तो सर सात दुनी चौदह और आठ तो सर आठ और आठ छह चौदह चौदह माइनस चौदह कितना आ रहा है जीरो आ रहा है मतलब ऑप्शन ए पर ही आपका आंसर देखने को मिल रहा है ये लीजिए ये लीजिए अब चेक करना था नीचे से करो लो चेक आ गया ऊपर वाला आंसर <laughs> अब करिए लो ऑप्शन ए में आंसर बैठा था ये लीजिए <laughs> क्लियर है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है हमेशा नीचे आंसर मिलेगा नॉट पॉसिबल ठीक है क्लियर है अब समझ में आ गई बात चलिए तो यहां तक की बातें क्लियर हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं जिसमें परस्पर बदलने वाला हो या फिर पूरा का पूरा ऐसे लाइन कहीं ना कहीं इनपुट डालना पड़ जाए वो इनपुट डाल सकते हैं या फिर मेरे दोस्त आप इस तरह के क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपको जिसमें आपको पूरे के पूरे ऑप्शन एक-एक करके चेक करने पड़े या फिर मेरे दोस्त सबसे सिंपल बात करिए आपने क्या कि इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करना हो ये सारी चीजें आपको मैंने यहां पर क्लियर कर दी हैं और मेरे हिसाब से यहां तक की बात क्लियर हो गई तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि इतनी बातें करने के बाद में मैं आपको एक बात बता दूं कि 99 परसेंट क्वेश्चन तो आपके इसमें से देखने को मिल जाएगा मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है ना उसमें से नाइन्टी चांस तो यही है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से अब ये जो एक जो है ना चांस उसी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं एक प्रतिशत जो चांस है ना उसी के ऊपर टाइप थ्री की बात कर रहा हूं अदरवाइज टाइप थ्री की बात मैं नहीं करता क्योंकि एक प्रतिशत चांस जो है वो इसमें से आने के हैं और टाइप थ्री का पहला क्वेश्चन देखिएगा और पढ़कर बनाए बनाने की कोशिश करिए आपको दिया पूरा पूरा समय बनाइए हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन बिटवीन 21 वन टू सिक्सटी विच आर नाइदर डिवाइडेड बाई फोर नॉर कंटेन फोर ना तो चार से भाग जाना चाहिए ना ही उनमें कहीं ना कहीं चार आना चाहिए इक्कीस साठ के बीच में वे सभी संख्याएं जो चार से विभाजित है या चार को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती है को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेगी ये क्वेश्चन नंबर नाइन है और यह आपके सामने ऑप्शन है दिए आपको दो मिनट बनाइए आराम से अभी दो मिनट इसलिए देता हूं क्योंकि अभी अभी नया है मामला इसलिए टाइम पूरा दे रहा हूं अभी नया है मामला इसलिए दो दे रहा हूं ठीक है क्लियर है विजय विजय जी बहुत बढ़िया रंजन जी राहुल जी साधु हो कुछ मंत्र दे दीजिए राहुल जी मंत्र मंत्र कुछ नहीं चलते हैं सारे कॉन्सेप्ट चलता है काम आपको हमको ता, तांत्रिक दिखते हैं काली सेट जरूर पहन रखी है इसका मतलब ये नहीं हम तांत्रिक है हमारे गले में कोई माला लटक रही है जिसमें खोपड़ियां लटक रही हो ठीक है थीके? महिमा जी कह रहे सर आप आपकी क्लास नहीं ले पाए सर क्योंकि तबीयत खराब थी अभी क्लास लीजिए तबीयत ठीक हो जाएगी डॉक्टर ने आपके लिख के नहीं लिया उसने आपने देखा नहीं होगा पर्ची में लिखा हुआ होगा तीन घंटे सर की क्लास दो घंटे सर की क्लास लीजिए उसमें ऐसा भी लिखा हुआ होगा टॉनिक में लिखा होगा टॉनिक दवाइयों के साथ साथ में पर्ची में लिखा हुआ होगा आपने वो राइटिंग समझ में नहीं आई होगी आपको डॉक्टर <laughs> ने लिखा होगा हिमांशु सर क्लास दो घंटे आपने पढ़ा नहीं उसको ध्यान से किसी मेडिकल वाले से पूछते वो बता देता आपको यतेंद्र जी डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रभु प्रभु नमन है आपको हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नहीं है कहने की बात वही है कहने की बात वही है हाउ मेनी सच आर आर इन बिटवीन टू डिवाइडेड नॉर कंटेन जो ना चार से भाज्य होते हो और ना ही चार को कंटेन करते हो ये भी वही बात है और ये हिंदी में जो बात कही गई है वो भी वही बात है बात वही है इक्कीस से साठ के बीच में वह सभी संख्या जो चार को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हो या चार से भाग दिया जाए उन्हें हटा दे तो हटा दे जैसे ही बात बोली वो, वो इंग्लिश वाली बात वैसे की वैसे क्या हो गई है जस्टिफाई हो गई है मीन कहने का तरीका अलग है बट दोनों बात वही है घूम फिर के मतलब वही निकल रहा है इंग्लिश में डायरेक्ट वे में कह रखी है हिंदी में इनडायरेक्ट वे में कह रखी है ठीक है जी चलिए बनाइए करिए कार्तिक जी बता रहे ई दोस्त यहां पर देखो करने का तरीका ये रहेगा सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि सर इक्कीस से साठ के बीच में बोला है सबसे पहले तो यही समझना इक्कीस से साठ के बीच में बोला है इक्कीस से साठ के बीच बोला है इक्कीस से साठ के बीच में बोला इसका मतलब है बाईस से फिफ्टी नाइन तक बाईस से फिफ्टी नाइन तक अच्छा टोटल कितने नंबर होंगे बाईस से लेकर फिफ्टी नाइन तक तो सर फिफ्टी नाइन माइनस ट्वेंटी टू प्लस वन प्लस वन क्यों कर रहे हो प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर 59 में से 22 को एक और जोड़ते हैं रैंकिंग टेस्ट में हम बता चुके हैं। तो दोस्त यहां पर देखें तो टोटल कितना आएगा तो टोटल सर देखें तो यहां से कितना आ रहा है अड़तीस आ रही है संख्या सबसे पहले तो यह समझ में आ गया बाईस से लेकर फिफ्टी तक टोटल अड़तीस संख्याएं होगी बाइस से लेकर 59 तक टोटल 38 संख्याएं होगी 38 एट नंबर होंगे अब उनमें से किन किन को हटाना है या तो उनमें चार का भाग जाता हो या फिर उनमें कहीं ना कहीं चार आता हो तो देखो दोस्त 22 से शुरू करता हूं तो चार का भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस चालीस से लेकर फोर्टी तक मेरे दोस्त ये मैंने सारी की सारी दस की दस संख्याएं हटा, संख्या हटा दी है ये दस संख्याएं एक साथ इसलिए हटा दी क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर सभी में क्या आएगा चार आएगा सभी में क्या आएगा चार आएगा इसलिए सबको क्या करा है? एक साथ हटा दिया उन पचास के बाद में मेरे दोस्त जो है बावन और बावन के बाद में छप्पन और छप्पन के बाद साठ तो को हटाने की आवश्यकता नहीं है ये छप्पन तक हट गया तो टोटल कितनी संख्याएं अभी तक हट चुकी है एक दो तीन चार चौदह पंद्रह और सोलह सोलह संख्याएं तो यहां तक हो गई अच्छा इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो रह गई हो चार के भाग वाली तो हमने हटा दी है इसके अलावा मेरे दोस्त कुछ संख्या ऐसी है जिनमें चार का भाग तो नहीं जाता है पर चार किसी न किसी प्रकार आता है जैसे चौतीस चौतीस में चार का भाग नहीं आता है, पर इसमें चार आता है इसलिए यह भी हटेगी और मेरे दोस्त चौंतीस के बाद में अगर हम बात करें तो चौवन ये भी हटेगी बाकी चार से चालीस से लेकर चौपचास तक तो हम पहले ही हटा चुके हैं तो सर सोलह इधर दो इधर तो टोटल कितनी संख्याएं हटेगी अठारह संख्याएं हटानी है अट्ठारह संख्याएं हटानी है अट्ठारह संख्याएं हटानी है तो अड़तीस संख्याएं हैं उसमें से अठारह संख्याएं अगर मैं हटा देता हूं तो कितनी संख्या शेष बचेगी ट्वेंटी चौबीस में भी तो चार है तो मेरे दोस्त चौबीस में चार है तो हटा दिया ना एक बार में तो काउंट तो एक ही बार करोगे ना चौबीस ऐसी संख्या है जिसमें चार का भाग भी जाता है चार भी आता है तो हटाओगे तो एक ही बार ना तो चौबीस यही हट चुका है हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो चार से भाज्य तो नहीं है पर चार लेकर आती है वो अलग से हटानी पड़ेगी वो अलग से मैंने यहां पर हटाई है वो अलग से मैंने हटाई है वो अलग से मैंने हटाई है सो यहां पर टोटल कितना नंबर बचेगा बीस संख्याएं बचेगी क्या यहां तक की बात क्लियर है या नहीं मैं फिर से बता देता हूं एक बार मैंने क्या किया सबसे पहले तो देखो इक्कीस से साठ के बीच में बोला है एक मिनट रुको पहले पहले आप एक बार देख लो मैं बताता हूं एक सेकंड रुको सुनिएगा सुनिएगा। 21 से 60 के बीच में बोला है मतलब 22 से लेकर होंगे दोस्त क्योंकि 22 खुद भी हट गया है परंतु उसको भी हमें रखना है तो 59 नाइन माइनस ट्वेंटी टू प्लस वन करा तो टोटल कितने नंबर आए नंबर यानी कि टोटल 38 संख्याएं हैं सबसे पहली चीज तो यह समझ में आ गई कि टोटल संख्याएं हैं अब उसमें से मेरे दोस्त मेरे को क्या करना है संख्याओं को हटाना है ठीक है इसमें से संख्याओं को हटाना है तो संख्याओं को हटाने का तरीका क्या है मेरे दोस्त कि आपको बोला है कौन कौन सी संख्या हटानी है जो चार का भाग जाता हो या फिर मेरे दोस्त चार को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हो ठीक है तो यहां पर देखो चौबीस अट्ठाईस बत्तीस छत्तीस और चालीस से लेकर उनपचास तक सारी संख्या हटानी है क्योंकि सब में चार आएगा और बावन और छप्पन अब हमें यह देखना है कि भैया हमने चालीस से लेकर उनपचास तक तो सारी संख्या हटा दी चार के भाजकता वाले भी हटा दिए इसके अलावा कोई ऐसी संख्या बच रही है जिसमें चार आता है परंतु चार का भाग नहीं जाता है वो अलग से मुझे हटानी पड़ेगी तो चौंतीस और चौपन चार का भाग नहीं जाता है पर चार कहीं ना कहीं आता है अतः ये दो संख्याएं भी हटेगी तो सोलह संख्याएं इधर दो इधर टोटल अट्ठारह संख्याएं क्या करनी है हटानी है और अगर अट्ठारह संख्याएं हटानी है तो टोटल अड़तीस में से जब अठारह संख्याएं हटाओगे तो कितनी संख्याएं बचेगी बीस संख्याएं बचेगी ट्वेंटी बचेगी चौवालीस क्यों नहीं लिया अरे 44 मेरे दोस्त ले चुका हूं सुनील जी चालीस से लेकर तक लिए चालीस इकतालीस तैयारी चौवालीस पैतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस ये सारी संख्याएं मैंने ले ली है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस टोटल दस संख्या एक साथ हटा दी ये दस संख्या इसलिए लिखी है मैंने ठीक है अब समझ में आया वो दस संख्याओं में हट चुका है ठीक है प्रभु अब जली लालटेन अरे नहीं जली हो किसी की लालटेन तो बता देना आप समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन खोपड़ी को घुमाने के लिए आ सकता है दोस्त यही वो क्वेश्चन है जो कल हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में एग्जामिनर डालता है ताकि आपके लिए वो रुकावट बने हेंड्रेंस जरूर डालेगा वो ठीक है दोस्त क्लियर है यहां तक की बात दुर्गेश यादव जी कहा आंसू बहा रहे हो ठीक है यतेंद्र जी चलिए अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है एकदम फाड़ू क्वेश्चन है एकदम ललन टाप क्वेश्चन है फाडू क्वेश्चन है ये भी ललन टाप क्वेश्चन है ये भी निम्नलिखित संख्याओं की अगर हम बात करें निम्नलिखित संख्याओं में से जिनके कुछ अंक संकेतों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं इसके कुछ अंक जो है संकेतों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं ठीक है जी कौन सा सेट दो अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है दो अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है ठीक है दीपांशु जी इसने बोला है विच ऑफ नंबर इज डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ए टू डिजिट नंबर टू डिजिट इवन नंबर का जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है जो चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए ठीक है अब दोस्त इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं वो इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त उसको यहां पर बताते हैं आपको मेरे दोस्त परफेक्ट स्क्वायर को लेकर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर को लेकर एक चीज मालूम होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग को लेकर एक चीज मालूम होनी चाहिए पूर्ण वर्ग को लेकर एक चीज मालूम होनी चाहिए पूर्ण वर्ग को लेकर एक चीज मालूम होनी चाहिए वो क्या कि मेरे दोस्त अगर किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो है और अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक अगर जीरो है और उसका स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों संख्या का अंतिम अंक भी जीरो बनेगा ये माइनस साइन नहीं है ये ये बता रहा है कि आगे कुछ और भी डिजिट होंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक अगर एक है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक एक बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक दो है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक चार बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक तीन है उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त नाइन बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक अगर चार है और उसका स्क्वायर करेंगे तो सोलह का मतलब छ बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक अगर पांच है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक पांच बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक छह है उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त छह बनेगा किसी संख्या का अंतिम अंक अगर सात है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त स्क्वायर करने पर नाइन बनेगा अंतिम अंक अगर आठ है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा चार बनेगा अंतिम अंक अगर नौ है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा अंतिम अंक एक बनेगा अंतिम अंक एक बनेगा क्लियर है यहां तक की बात अब सुनिएगा बात दोस्त उस तरह से सुनिएगाइडिया नहीं लगाना था अड़तीस का स्क्वायर ऐसे नहीं आइडिया लगाना था क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकती है तो कॉन्सेप्ट समझने पर जोर देते हैं अपन तो हम यहां पर क्या देख पाते हैं हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक यही हो सकते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक यही हो सकते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक यही हो सकते हैं और इसमें आप चार डिजिट नहीं देख पा रहे हो टू थ्री सेवन और एट यानी कि यहां से एक चीज निकलकर आती है कि पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक अंतिम अंक कभी भी अंतिम अंक कभी भी दो तीन सात आठ नहीं हो सकते हैं दो तीन सात आठ नहीं हो सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक कभी भी दो तीन सात आठ नहीं हो सकते हैं सबसे पहली बात तो ये, यानी कि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट ऑफ लास लास एनी परफेक्ट स्क्वायर लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर एनी परफेक्ट स्क्वायर कांट बी टू थ्री सेवन एट लास्ट डिजिट दो तीन सात आठ नहीं हो सकते हैं दूसरी चीज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मेरे दोस्त कि अगर आपका इवन नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो दोस्त रिजल्ट भी इवन नंबर ही आएगा यानी कि हिंदी में बोले तो सम संख्या का स्क्वायर करेंगे सम संख्या का वर्ग करेंगे तो रिजल्ट भी सम संख्या ही आएगी रिजल्ट भी सम संख्या ही आएगी और दोस्त अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो रिजल्ट भी ऑड नंबर आएगा यानी हिंदी में बोले कि विषम संख्या का स्क्वायर किया विषम संख्या का स्क्वायर किया तो रिजल्ट भी विषम संख्या ही आएगी रिजल्ट भी विषम संख्या ही आएगी ये दो बातें और हमें क्या करनी है ध्यान रखनी है ठीक है जी एक कैसे होगा रोये गुंजा जी ऐसे होगा कि जैसे आपने एक का स्क्वायर किया तो अंतिम अंक एक ग्यारह स्क्वायर किया तो एक सौ इक्कीस अंतिम अंक एक इकतीस का स्क्वायर किया तो नौ सौ इकसठ अंतिम अंक एक तो सब में आप देख रहे हैं अंतिम अंक क्या आ रहा है एक आ रहा है आई बात समझ में ये कहना चाह रहे हैं हम क्लियर है अब सुनिएगा क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है ठीक है अरे भैया इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर ही जनरेट होगा ना जैसे यार मैंने ग्यारह का स्क्वायर किया तो एक सौ इक्कीस जनरेट हुआ तो ये विषम संख्या थी तो ये भी तो विषम संख्या ही जनरेट हो रही है और अगर मैंने बारह का स्क्वायर किया तो एक सौ चौवालीस आ रहा है ना तो ये अगर इवन नंबर था तो उसका स्क्वायर जो आ रहा रिजल्ट भी तो इवन नंबर आ रहा है ये कहना चाह रहा हूं मैं ठीक है जी क्लियर है यहां तक की बात अब सुनिएगा अब यहां तक की बात सुनने के बाद में अब सुनिएगा कि इसने बोला है कि सबसे पहले तो कौन सा सेट दो अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग इसमें तीन चीजें हैं टू डिजिट टू डिजिट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए यानी कि जो भी आपका चार डिजिट लिख रखे हैं ना उनमें तीन गुण होने चाहिए वो टू डिजिट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो सबसे पहली बात तो देखें कि जिसके पीछे आठ आ रहा है वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी, अभी अभी आप देख कर आए हो कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट टू थ्री सेवन एट नहीं हो सकते परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट टू थ्री सेवन एट नहीं हो सकते ठीक है टू थ्री सेवन एट नहीं हो सकते ठीक है तो आठ बिल्कुल भी नहीं हो सकता बिल्कुल दीपांशु जी धन्यवाद आपका अब मेरे दोस्त जिसके पीछे पांच आ रहा है ये भी संभव नहीं है क्यों क्योंकि इसने बोला इवन नंबर का स्क्वायर तो इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट भी तो इवन आना चाहिए तो ये पीछे पांच बैठा है हाउ इज इट पॉसिबल क्योंकि पांच बैठने से तो वो तो एक विषम संख्या बन रही है तो ये भी नहीं हो सकता अतः पांच वाले को भी हटा दो तो बचा क्या ए ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर आ गया अब इसमें मान लो कि एक ऑप्शन और डाल दिया मैंने ई ऑप्शन जो कि यह होना चाहिए था नहीं था यह डाल दिया मैंने एस्ट्रिक फोर अब मुझे बताओ कि ए और डी में से ए और ई में से कौन सा आंसर होगा ए और ई में से कौन सा आंसर होगा क्योंकि इसमें इसका भी रोल इसका रोल समझ में आ गया इसका रोल समझ में आ गया टू डिजिट का क्या रोल है वो टू डिजिट का रोल समझने के लिए इसमें हेस्ट्रिक फोर लगा दिया अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हेस्ट्रिक फोर लगा दिया अब कौन सा आंसर सही होगा तो मेरे दोस्त अब आपको समझना है कि इसने बोला है टू डिजिट का नंबर मेरे दोस्त अगर मैं टू डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर भी लेता हूं टू डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर भी लेता हूं तो सबसे छोटे से छोटा नंबर होता है दस और 10 का स्क्वायर करता हूं तो जो आंसर आता है वो आता है 100 so, मतलब टू डिजिट का सबसे छोटे से छोटे नंबर का स्क्वायर भी तीन डिजिट तो रखता ही रखता है यानी कि टू डिजिट के स्क्वायर में मिनिमम तीन डिजिट तो होंगे ही होंगे तीन डिजिट से कम तो हो ही नहीं सकते अतः टू डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट में भी आए, possible, टू डिजिट आए नॉट पॉसिबल दट दिस इज ऑल्सो कैंसिल क्योंकि टू डिजिट के स्क्वायर में दो से ज्यादा ही डिजिट होंगे टू डिजिट टू डिजिट नंबर के स्क्वायर में स्क्वायर में तीन या तीन से ज्यादा डिजिट होंगे तीन या तीन से ज्यादा डिजिट होंगे और तीन से तीन से ज्यादा डिजिट कितने हो सकते हैं तो सर देखिएगा 99 का जो स्क्वायर है अगर आप उसको करेंगे 99 का स्क्वायर करेंगे दैट इज योर हंड्रेड माइनस वन स्क्वायर सर ये बनेगा दस हजार माइनस दो सौ माइनस एक तो सर ये बना अट्ठानवे सो यानी कि ये बना कितना आपका नाइन सेवन नाइन सेवन नाइन नाइन यानी कि टू डिजिट में तीन अंक होंगे या चार अंक होंगे दो डिजिट के दो डिजिट के स्क्वायर में या तो तीन अंक होंगे या चार अंक होंगे दो डिजिट के स्क्वायर में या तो तीन अंक होंगे या फिर कितने होंगे तीन से ज्यादा नहीं यहां पर आप इसको स्पेसिफिक लिख दो चार डिजिट होंगे या तो तीन होंगे या चार होंगे दैट्स इट मैक्सिमम फोर मिनिमम थ्री तो ये भी कैंसिल हो गया दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर अब आप आप अप अपना दिमाग लगा सकते हो कि सर जैसे वन जीरो टू फोर है ये आंसर हो सकता है वन फोर 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 है ये आंसर हो सकता है ये मेरे दोस्त ये हो सकता है ये आपका बत्तीस का स्क्वायर बोल सकते हो या आप अड़तीस का स्क्वायर बोल सकते हो पर हमें इस चीज को नहीं फाइंड करना था हमें तो ये फाइंड करना था कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप जो है आंसर करें नाइन एट जीरो वन सॉरी नाइन एट जीरो वन हाँ मैंने वो माइनस कर दिया था नाइन एट जीरो वन नाइन एट जीरो वन तो मेरे दोस्त नाइन एट जीरो वन बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे दोस्त मैंने यही कहना चाह रहा हूं कि तीन आपका जो इसमें क्वेश्चन में, में टेक्निक क्या काम में ली है मेरे दोस्त टेक्निक काम में ली है एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेशन टेक्निक यानी कि आपने क्या किया हटाने वाली टेक्निक पर काम किया आई होप आपके सारी चीजें समझ में आ गई होगी क्या आज तक अभी तक की जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर है या नहीं है तो लगभग लगभग हम काम कर चुके हैं इसके अंदर कुछ चीजें बची हुई हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे और कल ही जो है हम इसके आगे की बात जो है आपका इन वाली बात भी हम कल ही शुरू कर देंगे ठीक है कल ही हम शुरू कर देंगे इनइक्वेलिटी से पहले आपको गणितीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे और इनइक्वेलिटी परसों से शुरू करेंगे ठीक है कल हम जो है गणितीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे गणितीय प्रश्न भी आपके आते हैं उनके बारे में भी हम बात शुरू कर देंगे और फिर दोस्त हम फिर इनइक्वेलिटी पे बात करेंगे क्या यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं है बिल्कुल बिल्कुल नाइन एट जीरो वन आ गया ठीक है एलिमिनेशन से हो गया नहीं तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता ना अभी अभी इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या करता है ये बहुत ज्यादा अंक लगा देता है इसके आगे और तीन चार लिख देता है ऐसे हेस्ट्रिक लगा के और लगा देता फिर कैसे सोचते फिर सोचते नहीं फिर ऐसे ही दिमाग लगाते फिर ऐसे ही लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से दिमाग लगाते हुए हम क्या करते एलिमिनेशन करते ठीक है जी प्रवीण जी एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा फिर से समझने की कोशिश करिएगा रंजन जी रॉय गुंजा जी अश्विनी जी अमन जी रॉयल एनफील्ड जी अनिकेत जी अनिता जी विजय विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप आए हमारे पांडाल में आज और हमारे जो है उसमें पांडाल में आके आप जो है इत्र की तरह जो है महक जो करके गए हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद ओम प्रकाश बाबा जी अनिकेत जी नवनीत जी डिंकी जी दीपांशु जी आपको सत सत नमन, आरे, सत सत नमन मत करिए रोय गुंजा जी <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी लास्ट बेंचर जी भारत जी चंगू मंगू जी ओम प्रकाश जी रॉयल एनफील्ड जी प्रबल शर्मा जी प्रबल शर्मा जी बिल्कुल कह रहे हैं आई एम उत्कर्ष एम स्टूडेंट तो नमन स्वीकारें प्रबल जी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्कर्ष पे इतना विश्वास दिखाने के लिए आपका ये प्यार आपका ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जिन्होंने कल कल वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है जो कि आपके इसमें मैंने प्ले लिस्ट में भी डलवा दिया कि नॉन टेक के अंदर कैसे मैक्सिमाइज करना है पूरी स्ट्रेटजी जो है पूरा एक एक चीज़ बारीकी से हमने डिस्कस करी है तो आप उस चीज़ को देखें बहुत ही लाभदायक रहने वाली है वो चीज़ आपके लिए ठीक है एम पीबी -E का एग्जाम हो एस एस -E का एग्जाम हो सभी के बारे में इंजीनियर सुनील प्रजापति जी हमने डिस्कशन किया है आपसे मेरा अनुरोध है कि वो जो डेढ़ घंटे का वीडियो है सवा घंटे का वीडियो है लगभग लगभग वो आपके प्ले में डाल दिया है वो आप जरूर देखें विजय विजय जी कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के चार पांच क्वेश्चन बच गए हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के फिर मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं कि मेरे दोस्त जैसे कि आपके हाथ मिलाने वाले प्रश्न हो गए एक पूरा समूह है उसमें सरों की संख्या पैरों की संख्या इस तरह का प्रश्न है और मेरे दोस्त कई इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं वो भी हम मैथमेटिकल क्वेश्चन में आते हैं वो भी हम कल डिस्कस करने वाले हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वर्ड का अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में दे दिए जाते हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम शुरू करेंगे ठीक है जी सवा बारह बजे मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम प्रतिशत के बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं तो दोस्त बिल्कुल रंजन जी कह रहे हैं रिजिंग में, में मेरे चालीस ही आते हैं तो दोस्त चालीस से सैतालीस तक का सफर सात नंबर का सफर अभी और तय करना है मेहनत और बाकी है आप मेहनत करिए और दोस्त धीरे धीरे सब नंबर आएंगे ठीक है तो तीस मिनट बाद में फिर मिलते हैं आपसे तब तक अपना ध्यान रखिए तब तक कुछ खा पी लीजिए नाश्ता वास्ता कर लीजिए क्योंकि कुछ साधु जो हैं अभी तक भूखे बैठे हैं मुझे एहसास हो रहा है उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा के बराबर है तो दोस्त जल्दी कुछ खा पी लीजिए फिर मिलते हैं सवा बारह बजे तब तक अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जबरदस्त रहिए जय हिंद जय भारत